जहां एक ओर भारत जनसंख्या के मामले में विश्व का सबसे बड़ा देश बन गया है, तो वहीं दूसरी ओर हरिद्वार में आयोजित संत सम्मेलन में संतों ने हिंदू से सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की। संतों का मानना है कि हम दो हमारे दो रणनीति की वजह से हिंदू ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से विश्व में हिंदुओं की संख्या कम होती जा रही है। हरिद्वार में आयोजित संत सम्मेलन में योग गुरु बाबा रामदेव और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविपुरी समेत देश के दिग्गज संत मौजूद रहे। संत समाज का मानना है कि हिंदू कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, जिस वजह से विश्व में हिंदुओं की संख्या घट रही है। संत समाज ने कहा कि 20 साल पहले हम दो हमारे दो की बात कही जाती थी, जिससे हिंदुओं ने दो बच्चे पैदा करना शुरू कर दिए, पर अब तमाम हिंदू परिवार महज एक बच्चे के सिद्धांत पर चल रहे हैं, जिससे हिंदुओं की संख्या बड़ी तेजी से कम हुई है, जिसके चलते संतों की संख्या भी तेजी से घटी है। इस जनसंख्या असंतुलन के चलते देश के संतों ने हरिद्वार में आयोजित संत सम्मेलन में ही हिंदुओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की। नहीं, ये वास्तविकता में जो हमारे यहाँ समाज में आज विकृति आ रही है, जनसंख्या का जो घनत्व बढ़ रहा है, अगर उसमें हम एक पक्ष विशेष समुदाय को हम कहेंगे आप जनसंख्या का कंट्रोल करो, तो देश में एक अच्छे सैनिकों की कमी हो जाएगी, अच्छे संतों की कमी रहेगी। इसके परिप्रेक्ष्य में मैंने ये कहा है, और ये हमारी प्राचीन परंपरा रही है कि एक पुत्र राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित होना चाहिए, एक समाज की व्यवस्था के लिए गृहस्थ जीवन में रहे, और एक अच्छा सा सन्यासी बनने के लिए माता पिता को सन्यास की परिधि में लाने के लिए अपने उनके गुरुजनों को भेंट करना चाहिए। यही हमारी प्राचीन परंपरा रही है, नहीं तो सनातन धर्म बचेगा कैसे? अगर अच्छे सन्यासी अच्छे कुल से बच्चे नहीं आएंगे, तो आने वाली पीढ़ियां पर संतों को खाली फोटो में देखेंगे, संत कहाँ से आएंगे? समाज से तो नहीं आएंगे। तो इसमें किसी वर्ग विशेष का या किसी व्यक्ति विशेष का कोई विरोधाभास की भावना नहीं है, ये हमने अपने समाज से आह्वान किया है, माताओं से बहनों से, और मुझे आशा है जो लोग सदग्रस्त हैं, अगर 5% लोग भी इसका पालन करेंगे तो ये कमी पूरी हो जाएगी। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने संत सम्मेलन में कहा कि हम सभी देशवासियों को स्वस्थ रहने के लिए आधे घंटे सुबह योग करना चाहिए, जिससे हमारे मन और बुद्धि सुचारू रूप से चलें। साथ ही बाबा रामदेव ने कहा कि हमारे सनातन धर्म में दान पुण्य का महत्व है, इसलिए हमें अपनी कमाई का 10% दान पुण्य में देना ही चाहिए। स्वामी हरिचेतनानंद ने कहा कि भारत माँ की सेवा के लिए हमने अपने पुत्रों का दान दिया है, अब भी सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमारे पुत्रों को आगे आना होगा। अब हम दो हमारे दो से काम नहीं चलेगा, अब हमें हमारे दो हमारे छह वाली नीति पर आना पड़ेगा। हम आधा घंटा योग करना है, कुछ कुछ छोटे छोटे व्रत ऐसे कपाल भाति अनुलोम विलोम, ये अपने अपने गुरु ऋषि परंपरा में श्रद्धा और भक्ति रखते हुए कम से कम 2 से लेकर 10% दान करने का व्रत लेकर के जाओ। भारत माँ की सेवा के लिए हमने अपने पुत्रों का दान दिया है, अगर सनातन को बचाना है, सनातन को अगर व्यापक बनाना है, तो आज भी हमें उसी स्थिति में, जैसे रविंद्रपुरी जी महाराज ने कहा है, हमें जो है ना, ये हम दो हमारे दो वाले से अब काम नहीं चलेगा, हम दो हमारे छह तब बात बनेगी। स्वामी रूपेंद्र प्रकाश ने कहा कि हिंदुओं के परिवार तेजी से सिमट रहे हैं, इसी के चलते संतों ने सनातन और राष्ट्र की रक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की है। स्वामी रूपेंद्र प्रकाश ने कहा कि मुस्लिमों में ज़्यादा बच्चे पैदा करने का ट्रेंड है, ऐसे में हिंदुओं को भी 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करना होंगे। अगर केवल हम दो हमारे दो या शेर का बच्चा एक ही अच्छा जैसे सिद्धांत पर हिंदू चले, तो आने वाला समय ना तो देश के लिए और ना ही हिंदू संस्कृति के लिए अच्छा रहेगा, इसलिए हिंदुओं को कम से कम 6 बच्चे पैदा करना चाहिए। हम दो हमारे दो से हम अब शेर का बच्चा एक ही अच्छे पर आ गया हिंदू, और वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समाज हम 4 हमारे 40 की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे जनसंख्या अनुपात का बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। मैं इस अवसर पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी की मांग का समर्थन करते हुए भारत सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करता हूं, जो हम लोगों ने पहले भी आग्रह किया था, और जनसंख्या नियंत्रण कानून से इस देश में एक जनसंख्या का अनुपात आएगा, निश्चित रूप से हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई जो भी है सब बराबर के भागीदारी रहे इस देश में, ऐसी हम सब की मांग है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे, ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है, योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त।
योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।